जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 3 सितंबर और वार है मंगलवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज की क्या आवक है। देखिए मैं आवक इधर प्याज की तरफ हूँ, लहसुन का भी आवक नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उधर लहसुन की तरफ अभी गया नहीं हूँ मैं। अगर उधर जाऊँगा तब कहीं ना कहीं अपन बता पाएंगे क्या एग्जैक्ट, क्योंकि वहाँ गया नहीं हूँ अभी, यहीं पर डायरेक्ट इधर ही हूँ मैं। और यहाँ कुछ व्यापारियों से अपने ने पूछ लिया है कि आवक की आखिर कंडीशन क्या है। तो देखिए आवक की जो कंडीशन है वो कल जैसी ही है, लगभग उतनी है, उससे थोड़ी सी ऊपर है, मतलब 5-7 हज़ार कट्टे आप ऊपर मान के चलो। तो ये मान के चलो मोटा मोटा कि आवकों की जो कंडीशन आज देखने को मिल रही है वो अपने को 50-55 हज़ार के आसपास कट्टे देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने व्यापारी भाइयों से पूछा। और भी मैं पूछवा लेता हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी क्लियरिटी रहेगी कि यार वास्तविकता में क्या है, क्योंकि कल जैसा ही लगभग मार्केट दिख रहा है कि कल जितनी आवकें दिख रही थी लगभग उतनी है। उस साइड में गया नहीं हूँ मैं, आपको जो भी बता रहा हूँ स्पष्ट बता रहा हूँ। होगा तो कल से जो 2-4 मिनट का जो हमारा एक वीडियो आता था वो आवक वाला वो वापस चालू कर देंगे अपन। बाकी आपसे यही निवेदन है कि इसी तरह की आवक रखे, जैसे कल 40 का 38-40 का रेट गया तो थोड़ी सी बढ़ी है, पर ठीक है ये थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन आप गलती ये नहीं करना है 1-1 लाख कट्टे कर दे अपन, क्योंकि उससे कुल मिला के नुकसान ही है और कहीं ना कहीं हर एक किसान का नुकसान है उसमें। बाकी तो आपकी मर्ज़ी कैसे माल बेचना क्या करना, बस थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ। और मैं बार बार बोल चुका हूँ अभी 20 तारीख तक तो घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जो भी है फैसला ये अभी जो 8-10 दिन 15 दिन जो पानी गिरता है उसमें क्या होने वाला, अगर वो ज़्यादा गिरा और साउथ की फसल ख़राब हुई तो ये 40 नहीं है 50 भी चला जाएगा, और अगर ख़राब नहीं हुई तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टेबल होते हुए धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, मैं बार बार शब्दों बोल चुका हूँ, हम कतई नहीं चाहते कि साउथ वाले किसानों की भाइयों की फसल ख़राब हो, ये हम नहीं चाहते। लेकिन कुदरत का हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं है, वो क्या करेगी कब क्या करे। तो बाकी आपसे जो अभी चल रहा है वैसा चलने दीजिए, लहसुन की आवक उसी समय बताया जाएगी आपको कि क्या है, क्योंकि उधर मैं गया ही नहीं हूँ और इधर के व्यापारी को उधर का भी लहसुन का अंदाज़ा नहीं होगा, तो वहीं चल के बात करेंगे। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। कुछ व्यापारी ये देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ आवक है कितनी प्याज की, होगी 50-55 होगी ना, तो वही है 50-55 की। यहाँ से आप देखो पूरा यहाँ से तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं उधर नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ व्यापारी भाइयों से पूछा है। ये इस साइड देखो यहाँ की आवक है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये देखिए आप इस तरह से, तो लगभग कल जैसी है, वैसे थोड़ा बहुत 19 बढ़ा हुआ है अभी, 21 बढ़ा हुआ मतलब, बाकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलने दो भैया ऐसे ही। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। दादा आप कितना प्याज कितने लेके आए, 50 कट्टे दादा अपन 25 मतलब यही ला रहे ना 20-25-30, बहुत बढ़िया, बस थोड़ा थोड़ा लगातार अपन चलने दो, यही समझदारी। नहीं मेरी बात मत मानो, मतलब मेरा बोलना है कि अपन थोड़ा लॉजिक के साथ कमाई करें, अपन कहने का मतलब ये सीधा, पता लगा एक साथ इकट्ठा कर दिया और वापस डाउन आ गया मार्केट तो दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा।